हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार और मेरे साथ हैं हेमंत वर्मा जी, जो कि आज आपको गांव में कैसे मछलियों का आपका जीवन यापन करते हैं लोग, उसको मछली को कैसे मार के अपने जीवन यापन के लिए एक रिसोर्सेज का यूटिलाइज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोग कैसे किस तरीके से फिशरी का बिजनेस करके आपका जो है आगे लाइफ में ग्रो करते हैं। तो जैसे कि डिफरेंट टाइप का फिश, हिलसा फिश हो गया, जितने भी तरीके के आप मछली का अगर जानकारी रखते होंगे तो काफ़ी यहाँ पे डॉल्फिन वगैरह, कई गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ मछलियों को आपका पकड़ने के लिए बैन भी किया हुआ है। तो जो लोग जस्ट जिस तरीके से रेहू मछली होता है, जो लोकल मछलियाँ होते हैं, उनको आप जस्ट मार्केट में ले जाके बेच सकते हैं। तो इस तरीके से गाँव के लोग जो होते हैं वो काफ़ी सीधे साधे, छोटे छाड़े, भोले भाले होते हैं। वो जस्ट अपना क्या चाहते हैं कि हमारा किसी भी तरीके से काम चलता रहे, अपना जीवन यापन अपना एक सोफिस्टिकेटेड वे में चलता रहे। तो हम लोग आगे आके देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी में काफ़ी विभिन्न प्रकार के विभिन्नताएँ मिल जाएंगी मछलियों के, और काफ़ी ऐसा नहीं कि दूसरे और जीव जंतु रहेंगे, वो भी काफ़ी यहाँ पे रिवर के जो भी सी फूड होते हैं, तो काफ़ी यहाँ पे सी फूड आपको मिल जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, देखिए आप यहाँ पे बारिश भी आने लगे, तो काफ़ी प्रकृति का नज़ारा भी आप देख सकते हैं, काले घनघोर बादल, बरसों रे मेघा, आपने गाना सुना ही होगा। तो बारिश भी आ चुकी है, तो हम लोग बारिश को भी इंजॉय करते हुए हम आपको लिए अगले वीडियो में अच्छे से आपका क्या होता है, आपके किस तरीके से इनके चैलेंजेज होते हैं लाइफ में, वो सब आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।